मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, आज हम भौतिक भूगोल की इकाई जलवायु विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अस्थायी पवन के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के कालांश में हमने स्थायी पवन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज हम अस्थायी पवन के बारे में चर्चा करेंगे। अस्थायी पवन की चर्चा करने में सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ या बताना चाहता हूँ कि अस्थायी पवन किसे कहा जाता है या अस्थायी पवन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। अस्थायी पवन जिन हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, उन्हें अस्थायी पवन या अनिश्चित पवन कहा जाता है या कहते हैं। अस्थायी पवन को पुनः दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर वन, सामयिक पवन, जिसको अंग्रेजी में टेम्पोररी विंड कहा जाता है, तथा नंबर टू, स्थानीय पवन, जिसको अंग्रेजी में लोकल विंड के नाम से जाना जाता है। सामयिक पवन, अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सामयिक पवन मौसम या समय के परिवर्तन के साथ, जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है, उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। सामयिक पवन के अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को शामिल किया जा सकता है। नंबर वन, मानसून पवन, नंबर टू, स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर, तथा नंबर थ्री, पर्वत समीर तथा घाटी समीर। दोस्तों, सामयिक पवन के तीनों उप प्रकारों के या तीनों उप वर्गों के नाम से रूबरू होने के बाद हम एक एक करके तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको विस्तार से अध्ययन करवाऊंगा। सबसे पहले मानसून पवन, उसके बाद स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर, और उसके बाद पर्वतीय समीर तथा घाटी समीर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा मानसून पवन की। मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में दो बार परिवर्तन होता है। दोस्तों, इस परिभाषा को मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली उन हवाओं के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में वर्ष में दो बार परिवर्तन होता है। दोस्तों, मानसून पवन को हम इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिन हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन होता है, यानी मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। यानी जिन हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, उन पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। दोस्तों, मानसून पवन के बारे में अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि मानसून शब्द मूल रूप से अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ मौसम से होता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरब सागर में चलने वाली उस हवा के लिए किया गया जिसकी दिशा वर्ष के छह माह तक अर्थात जाड़े में उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा शेष 6 माह तक अर्थात ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दोस्तों मानसून पवन के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं अगले बिंदु के रूप में कि सूर्य के उत्तरायण होने के साथ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा तापीय विषुवत रेखा कुछ उत्तर की ओर खिसक जाते हैं। एशिया में स्थलखंड के प्रभाव के कारण इनका खिसकाव थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। फलस्वरूप यहां विषुवत रेखीय पछवा पवन महासागर से स्थल की ओर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, जिन्हें हम ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जानते हैं। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं कि सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा तापीय विषुवत रेखा दक्षिण की ओर खिसक जाते हैं। फलस्वरूप यहां पुनः उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं प्रवाहित होने लगती है, जिन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि पूर्वी एशिया के देशों में विशेष रूप से चीन एवं जापान में ग्रीष्मकालीन मानसून की तुलना में शीतकालीन मानसून अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपसे चर्चा की है मानसून पवन के बारे में। इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शीतकाल की ऋतु में उत्तरी पूर्वी शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलने लगती है, जिसे शीतकालीन मानसून कहा जाता है और भारत के संदर्भ में, और ग्रीष्म काल में यानी गर्मी की ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं चलती है, जिन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। फ्लोन के अनुसार दोस्तों ये जो हवाएं हैं वो विषुवत रेखीय पछवा पवन है, विषुवत रेखीय पछवा पवन में होती है। इस प्रकार मानसून पवनों को भारत के संदर्भ में आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार मानसून पवन की चर्चा के बाद द्वितीय सामयिक पवन, जिसको हम स्थलीय समीर तथा सागर समीर के रूप में जानते हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूं। मानसून सामयिक पवन की का द्वितीय उपभाग या दूसरी पवन स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर है। अंग्रेजी में इसको लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर के बारे में। स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे पैमाने की मानसून पवनें ही होती है, जिनकी दिशा 24 घंटे के अंदर दो बार परिवर्तित होती है स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर का प्रभाव मुख्य रूप से सागर तटवर्ती भागों में ही देखने को मिलता है, यानी इनका प्रभाव मुख्य रूप से सागर तटवर्ती क्षेत्रों पर ही पड़ता है। सागरीय समीर दिन में सागर से
स्थल की ओर तथा स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की ओर चलती है। स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर के चलने का मुख्य कारण स्थल तथा जल में। दोस्तों इस बिंदु को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, करना चाह रहा हूं कि स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर के चलने का मुख्य कारण जल तथा स्थल के गर्म एवं ठंडा होने में, जल तथा स्थल के गर्म एवं ठंडा होने के स्वभाव में परस्पर विरोधी स्वभाव होना, गर्म तथा ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दोस्तों अब मैं एक एक करके आपके सबसे पहले सागरीय समीर की चर्चा करूंगा, फिर आपसे स्थलीय समीर की चर्चा करूंगा। सागरीय समीर दिन के समय, सागरीय समीर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, दिन के समय स्थलीय भाग, दिन के समय स्थलीय भाग की दिन के समय स्थलीय भाग सागरीय भाग की अपेक्षा में अधिक गर्म हो जाता है। दिन के समय स्थलीय भाग सागरीय भाग की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, जिस कारण सागर के निकटवर्ती स्थलीय भाग पर निम्न वायु दाब, जिस कारण सागर के निकटवर्ती स्थलीय भाग पर निम्न वायु दाब तथा सागर में उच्च वायु दाब बन जाता है, फलस्वरूप हवाएं दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलने लगती है, जिन्हें सागरीय समीर कहा जाता है। दोस्तों इस चित्र के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं, सागरीय समीर दिन में यहां से सागर से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं। दूसरी स्थलीय समीर, सूर्यास्त के बाद रात्रि में स्थलीय भाग से तीव्र भौमिक विकिरण के कारण उष्मा ह्रास होने के कारण, दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय स्थलीय भाग से तीव्र भौमिक विकिरण के कारण उष्मा ह्रास होने से स्थलीय भागों पर निम्न तापमान अर्थात उच्च वायु दाब बन जाता है तथा सागरीय भागों पर निम्न वायु दाब बन जाता है, फलस्वरूप रात्रि के समय हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने लगती है, जिन्हें स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चित्रों के द्वारा आसानी से सागरीय समीर और स्थलीय समीर को समझा जा सकता है। इनके दोस्तों पूर्व बिंदु में मैं आपको बता चुका हूं कि इनके चलने का मुख्य कारण स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडा होने में परस्पर विरोधी स्वभाव का होना है। दोस्तों दूसरी सामी पवन के रूप में हमने चर्चा की है स्थलीय समीर तथा सागरीय समीर। उसके बाद अंत में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पर्वत समीर तथा घाटी समीर। तीसरी सामी पवन के रूप में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं पर्वत समीर तथा घाटी समीर। अंग्रेजी में इसको माउंटेन ब्रिज तथा वेली ब्रिज के नाम से जाना जाता है। पर्वत समीर को माउंटेन ब्रिज तथा घाटी समीर को वेली ब्रिज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं पर्वत समीर तथा घाटी समीर। पर्वत समीर तथा घाटी समीर भी सामिक हवाएं होती है, इन्हें दैनिक समीर भी कहा जाता है। इनको दैनिक समीर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी दिशा में भी 24 घंटे के अंतराल में दो बार परिवर्तन होता है। दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं पर्वत समीर तथा घाटी समीर भी सामयिक पवन है, इनको दैनिक समीर भी कहा जाता है क्योंकि
इनकी दिशा में भी 24 घंटे के अंतराल में दो बार परिवर्तन होता है। अब एक एक करके दोस्तों में पहले आपसे घाटी समेत के बारे में चर्चा कर रहा हूं, फिर आपसे पर्वत समेत के बारे में चर्चा करूंगा। दिन के समय घाटी समेत, दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भागों में, दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भागों में, दोबारा दोस्तों एक पुनः इस घाटी समेत के बारे में पुनः आपसे चर्चा कर रहा हूं, दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भागों में अधिक तापमान होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। यानी दिन के समय घाटी की हवाएं गर्म होकर पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठती है, इन्हें घाटी समीर या एनाबेटिक पवन कहा जाता है। दोस्तों इस बात को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार, दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भागों में अधिक तापमान होने के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जो पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती है, इनको घाटी समीर या अनाबेटिक पवन कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूंगा पर्वत समीर के बारे में। सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय, पर्वत समीर के बारे में चर्चा कर रहा हूं, सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय ऊपरी भागों से तीव्र भौमिक विकिरण के कारण अधिक तापहास होता है, फलस्वरूप यहां की वायु ठंडी एवं भारी हो जाती है, जो हवा के रूप में पर्वतीय ढालों के सहारे नीचे घाटी की ओर चलने लगती है, उसे पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है या पर्वत समीर कहा जाता है। दोस्तों एक बार पर्वत समीर की परिभाषा पुनः मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, सूर्यास्त के बाद रात्रि में पर्वतीय ढालों तथा ऊपरी भागों पर तीव्र भौमिक विकिरण द्वारा तापहास अधिक होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी एवं भारी हो जाती है। ये ठंडी एवं भारी हवाएं ढालों के सहारे नीचे घाटी की ओर उतरने लगती है, जिन्हें पर्वत समीर या केटाबेटिक पवन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस चित्र के द्वारा पर्वत समीर एवं घाटी समीर को आसानी से समझा जा सकता है। जो दिन के समय, जैसा कि आपको दिखाया कि डार्क लाइन के द्वारा घाटी समीर और डॉटेड लाइन के द्वारा पर्वतीय समीर को इस चित्र में या डायग्राम में बताया गया है, दिन के समय घाटी के भागों में अधिक तापमान होने के कारण यहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है, जिन्हें घाटी समीर कहा जाता है। रात्रि के समय ऊपरी भागों में तीव्र भौमिक विकिरण के कारण तापमान कम होने से वायु ठंडी एवं भारी हो जाती है, और ये वायु हवाओं के रूप में ढालों के सहारे नीचे उतरने लगती है, जिसे पर्वतीय समीर कहा। दिन के समय घाटी समीर नीचे से ऊपर की ओर, रात्रि के समय पर्वतीय समीर पर्वतीय घाट ऊपरी पर्वतीय भागों से नीचे घाटी की ओर चलने लगती है। इस प्रकार आज के टॉपिक में दोस्तों हमने अस्थाई पवन के बारे में चर्चा की है, और अस्थाई पवन के एक उपभाग सामयिक पवन, जिसके अंतर्गत तीन पवनों को शामिल किया जाता है, मानसून पवन, स्थलीय समीर तथा सागर समीर, पर्वत समीर तथा घाटी समीर के बारे में विस्तार से चर्चा की है। दोस्तों अगले कालांश में हम स्थानीय पवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।